शनीश्वरा शनीश्वरा दयावंत हो शनीश्वरा। क्या आप जानते हैं सूर्य के पुत्र और छाया के लाल कर्म फलदाता शनि ग्रहों में इकलौते ऐसे देवता हैं जिनकी दृष्टि से आज तक कोई नहीं बच पाया, जो कि इनका काम ही इंसान को कर्म अनुसार उसे परिणाम देना है और इसलिए इनके नाम से हर कोई भयभीत रहता है। शनि के लिए कहा गया जैसी करनी वैसी भरनी। इकलौते ऐसे ग्रह हैं जिसका काल चक्र लगभग 27 सालों में आता है। इन 27 सालों में व्यक्ति जैसा जैसा काम करता है शनि देव अपने काल चक्र में वैसा ही परिणाम उसको देते हैं। अच्छे कार्य किए जाने पर अपने कार्यकाल में शनि देव मालामाल कर देते हैं और गलत करने पर राजा से रंक भी बना देते हैं। जो कि ज्योतिष में देखे शनि को कर्म से लेकर आजीविका, जनता, सेवक, नौकरी, परिश्रम, तकनीकी कार्य, मशीनें, गहन अध्ययन, आध्यात्म, तपस्या, पाचन तंत्र और हड्डियों के जोड़ से लोहा और पेट्रोल से जोड़ा जाता है। इस कारण हर कोई शनि को शांत और प्रसन्न रखने की भरपूर कोशिश करता है। अब देखिए ना, शनि की दृष्टि से ये साल कई मायनों में खास है। 25 साल बाद 2023 की शुरुआत में देखिए शनि का राशि परिवर्तन हुआ, फिर शनि वक्री से मार्गी भी हुए और अब वर्तमान में शनि नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। इस बार शनि अपने मित्र राहु के नक्षत्र में आ चुके हैं। धनिष्ठा से शनिष्ठ नक्षत्र में शनि का गोचर यूं तो देखिए आम जन मानस को एक बड़ी राहत देकर जाएगा, लेकिन चार राशियां ऐसी हैं जिन पर राहु और शनि का खतरनाक यही संयोग सबसे ज्यादा भारी है, या फिर यूं कहें कि इन चार राशियों को अक्टूबर तक सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। शनि का नक्षत्र परिवर्तन किन चार राशियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, आइए उन राशियों के बारे में जानते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शनि का शतभिषा नक्षत्र में संचार करना कई मामलों में कष्टकारी हो सकता है। इस समय इन पर शनि की लघु कल्याणी ढैया भी चल रही है, तो ऐसे में शनि का प्रभाव अब इन पर धीरे धीरे दिखना शुरू होगा। सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति का इनको सामना करना होगा। कई ऐसे काम अचानक से सामने आ सकते हैं जिससे इनका बजट खराब होगा। एक से एक खर्चे के रास्ते निकलते रहेंगे जिससे मानसिक रूप से ये तनाव और परेशानी में रहेंगे। कुछ गैर जरूरी यात्रा भी इन्हें करनी पड़ सकती है। गुप्त शत्रु और विरोधियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी चीजों का आप पर आरोप लग सकता है जिससे आपको कोई मतलब ही नहीं होगा। आपके लिए सलाह है कि खान पान का ध्यान रखें और नशीली चीजों के सेवन से परहेज करें, नहीं तो परेशानी और बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि। इस समय वृश्चिक कंटक शनि के प्रभाव में, ऐसे में शनि के शतभिषा नक्षत्र में संचार के दौरान आपको जमीन जायदाद से संबंधित किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको रक्तचाप संबंधी या फिर अन्य रक्त संबंधी परेशानी है तो इसकी जांच समय समय पर करवाते रहें। इस समय रक्त से संबंधित समस्या, हृदय फेफड़ों से संबंधित समस्या होने की भी आशंका है। जिन लोगों ने गलत तरीके से धन बनाया है उनका मामला उजागर हो सकता है। गैर जरूरी खर्चे भी इस समय हो सकते हैं। आपके लिए सलाह है कि रिश्तों में तालमेल बनाकर रखें और किसी से विवाद में ना उलझें, नहीं तो मान सम्मान की हानि हो सकती है। वाहन पर खर्च होगा, माता की सेहत को लेकर चिंता होगी। कुंभ राशि। शनि आप ही की राशि के स्वामी है और इस समय आपकी राशि में चलते हुए शतभिषा नक्षत्र के पहले चरण में गोचर करेंगे और ऐसे में आपके लिए अक्टूबर तक का समय काफी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आप कई बार ऐसी स्थिति में होंगे कि आपके लिए निर्णय ले पाना कठिन हो जाएगा। अपने भी आपको पराए जैसे व्यवहार करते नजर आएंगे। आपके खर्चे खूब बढ़ जाएंगे। घर में बिजली के उपकरण और वाहनों की खराबी से मन परेशान होगा। चिकित्सा पर भी आपके खर्चे इन दिनों बढ़ेंगे। जीवन साथी के साथ कहासुनी और विवाद से भी आपको घरेलू जीवन प्रभावित होगा। बनते काम भी आपके बाधित हो सकते हैं। मीन राशि। मीन राशि के लोगों के लिए शनि का शतभिषा नक्षत्र में संचार अनुकूल फलदायी नहीं रहेगा। मीन राशि के जातक इस समय 7.5 के पहले चरण में चल रहे हैं। ऐसे में मीन राशि के जातकों को अक्टूबर तक कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक मामलों में ये समय बेहद खर्चीला रह सकता है। कई गैर जरूरी खर्चे भी इस समय आपके होते रहेंगे। जीवन साथी के साथ कहासुनी हो सकती है। किसी निकट संबंधी की सेहत को लेकर आपका पारिवारिक जीवन भी प्रभावित हो सकता है। आपको अपने सामानों का भी ध्यान रखना चाहिए। खोने अथवा चोरी होने का भय बना रहेगा। जोखिम से आपको बचना चाहिए। दुर्घटना की आशंका है। पैर में चोट और तकलीफ महसूस कर सकते हैं। तो आने वाले इन 6 महीनों में कौन सी 4 राशियां हैं जिन पर शनि का नक्षत्र परिवर्तन सबसे ज्यादा भारी रहेगा, ये हमने आपको बताया। और ऐसे में इन 4 राशियों से जुड़े जातकों को शनि से जुड़े किन उपायों को करना बेहद जरूरी है, आइए जाते जाते जान लेते हैं। शनि से जुड़े चमत्कारी उपाय। शनि देव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन
काले तिल, काली उड़द, काला छाता और लोहे आदि का दान अवश्य करें। दान करने से पहले कटोरी में तेल लेकर उसमें चेहरा देखें और फिर उस तेल को किसी जरूरतमंद इंसान को दान दें। जरूरतमंदों की सहायता करें, जितना संभव हो शनि से संबंधित चीजों का दान करें और काले कुत्ते को सरसों के तेल लगाकर रोटी खिलाएं। शनि की महादशा साढ़े सात ढैया से छुटकारा पाने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद पीपल के पेड़ की कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए और ऐसा करने से शनि प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा शक्कर और काला तिल मिलाकर चींटियों को खिलाएं, इससे धन से जुड़ी समस्या दूर होगी। इस तरह के आयोजन न केवल ग्लोबल गुड के लिए जरूरी है बल्कि ग्लोबल गुड में भारत की बढ़ती जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। साथियों, आप भी जानते हैं कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। जब हम इसी किसी संकल्प को आगे बढ़ाते हैं तो उसे सिद्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम होती है। मुझे खुशी है कि आज विश्व जब इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहा है तो भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इसी दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मिलेट्स की खेती, उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था, हेल्थ पर उसके प्रभाव, किसानों की आय, ऐसे अनेक